महाधनवान योग, मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। कल कलकत्ता से किशन नागानी आपको नमस्कार करके, आप अपने लग्न देखो, अगर उसमें ये चीज़ें होंगी तो आपको महाधनवान योग से कोई भी नहीं रोक सकता है। मेष लग्न में दूसरे भाव में अगर मंगल शुक्र गुरु हो तब, वृषभ लग्न में बुध केतु दूसरे भाव में हो तब, मिथुन लग्न में चंद्रमा मंगल शुक्र युक्ति दूसरे भाव में अतुल संपदा, कर्क लग्न में चंद्रमा और गुरु और सातवें में मंगल हो, भयंकर पैसे वाला इसमें होगा। कन्या केतु शुक्र दो भाव में हो, आपके पास के पीछे चार्टर प्लेन दुनिया भर की चीजें मिलेगी। तुला राशि देव गुरु अगर आपके आठवें में हो, ये विपरीत राज जो होता है इसमें अतुल संपदा आ जाती है इंसान के पास। वो गरीबी में पल के आसमान की ऊंचाई में तीन छन्नियों का मालिक होके बैठ जाता है। वृश्चिक लग्न में दूसरे भाव में अगर गज केसरी योग बने, ठीक है, जबरदस्त चंद्रमा और गुरु की युक्ति, राजा। अब धनु लग्न में आपके शुक्र दसवें घर में हो तो ये आपको समझ लो ऐसे सोर्सेज मिलेंगे, जिंदगी भर बैठे बैठे कमाओ, काम धेनु पाली, दूध जब चाहिए ले लो, वो हिसाब है। मकर अगर लग्न में मंगल हो और साथ में चंद्रमा हो तो ये जबरदस्त आपके लिए कॉम्बिनेशन है, रईस बन जाएंगे। अब कुंभ लगन हो आपका, लगन है ये ध्यान रखना, लगन है उसकी दूसरे भाव की बातें कर रहा हूँ। दूसरा भाव होता है धन संपत्ति योग, वाणी, वाणी से ही पैसा बनता है, ठीक है। तो कुंभ गुरु आपका भाग्यवान ग्रह है, सर्वाधिक गुरु शुक्र युक्ति अगर दूसरे घर में आपके आ जाए तो कुंभ राशि वालों आप मुझे आशीर्वाद करोगे। मीन लग्न में दो भाव में मंगल गुरु आ जाए, माना पराक्रम और नीति, जबरदस्त, अति धनवान, अतुल संपदा। अगर ऊपर के योग अगर आपके ये बन रहे हैं, आप अपने बच्चों की कुंडली बैठ के दो मिनट देख लो जिस जिसमें ये योग हो, तो दिस आई कैन अश्योर यू भाई दे आर द विनर्स ऑफ द गेम ऑफ योर फैमिली, जिनकी भी कुंडली में ये भाव मिल जाएंगे। ऐसी कई रोचक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और आप लोग मुझे बहुत समर्थन दे रहे हैं। आप अपने दोस्तों को ये रिकमेंड करिए मेरे वीडियोस, और मैं बिना लाग लपेट के आपको सीधे से बता देता हूँ ऐसा है तो ऐसा है, आपको ज़्यादा दिमाग कुश्ती नहीं लड़नी पड़ेगी भाई, ज्योतिषियों वाली सीधी परोसी हुई पलेट देता हूँ मैं भाई, आप आनंद लो। कोई भी तकलीफ हो 6282697649, रिसर्च है ना वो फ्रैंक होती है, ठीक है। दादा सुखी रखिए।